चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आखिरकार डॉक्टर संजय धनखड़ पर गिरी है कार्रवाई की गाज। झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में गलत किडनी निकालने से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की GBM में अहम फैसला हुआ है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में ये फैसला हुआ है। GBM काउंसिल रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 22 सदस्य GBM में मौजूद है। डॉक्टर धनखड़ समेत कुल 8 चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त कर दिया है, बड़ी खबर है। पिछले दिनों की चर्चाओं में गलत किडनी का मामला आया था। गलत किडनी निकालने का प्रकरण डॉक्टर धनखड़ के अलावा फर्जी दस्तावेज से नौकरी पर लगे डॉक्टर गणपत चौधरी, NMC में गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले डॉक्टर मोहम्मद साजिद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर कृष्णा सोनी, डॉक्टर बोम्बा रेड्डी हरिकृष्णा, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर बलजीत कौर का भी पंजीयन काउंसिल ने किया है तत्काल प्रभाव से निरस्त। जबकि डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर सुमन अग्रवाल का पंजीयन 6 माह के लिए सस्पेंड हुआ है। रिकॉर्ड ऑपरेशन में दोनों चिकित्सकों की संलिप्तता के चलते ये एक्शन लिया गया। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, देखिएगा एक्शन हुआ है गजब का, क्योंकि लगातार मामला सामने आ रहा था। इस हॉस्पिटल का नाम चर्चाओं में था क्योंकि ना सिर्फ गलत किडनी निकालने की बात थी बल्कि गलत तरीके से इस नौकरी में आने की बात थी। अब बताइएगा क्या एक्शन लिया गया है और किन के द्वारा? देखिए, राजस्थान मेडिकल काउंसिल की आज GBM की बैठक थी, बड़ी बैठक होती है GBM की, जिसमें की निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में कुल 22 सदस्य GBM में मौजूद रहे। और उस GBM में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि जो झुंझुनू के अंदर गलत किडनी निकालने का मामला सामने आया था और जिसमें काफी हद तक लापरवाही जो है वो जांच में उजागर भी हो गई थी, तो उसको लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया है। जो अस्पताल के ओनर थे डॉक्टर संजय धनखड़, जिन पर की मामला दर्ज भी कराया गया था पुलिस के अंदर, उनका पंजीयन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग ने उसका पंजीयन जो है वो निरस्त कर दिया गया। डॉक्टर धनखड़ के अलावा कुल 8 चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त किया गया, हालांकि जो 7 चिकित्सक है वो अन्य अलग अलग मामलों में उनका पंजीयन निरस्त किया गया है। और ये जो डॉक्टर धनखड़ के अलावा और जो डॉक्टर थे उन पर आरोप यह था कि फर्जी दस्तावेज से वो नौकरी पर लगे थे, डॉक्टर गणपत चौधरी है। इसके अलावा NMC में गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में डॉक्टर मोहम्मद साजिद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर कृष्णा सोनी, डॉक्टर बोम्मा रेड्डी हरिकृष्णा, डॉक्टर जयदीप सिंह और डॉक्टर बलजीत कौर का पंजीयन भी काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। डॉक्टर जयदीप सिंह की बात करें तो सरकारी सेवा में थे, जिसका पंजीयन रद्द कर दिया गया, क्योंकि सरकारी सेवा पर भी उनका सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा डॉक्टर अजय अग्रवाल विकास, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है विकास। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से रिकॉर्ड ऑपरेशन में दोनों चिकित्सकों को संदिग्धता पाई गई थी, इसके चलते उनका एक्शन पे लिया गया है। बिल्कुल विकास, एक और जानकारी दीजिएगा, बताया गया है कि कुछ का जो पंजीयन है वो सस्पेंड भी किया गया है, ऐसे में कितने डॉक्टर हैं और इनके ऊपर क्या आरोप लगे थे विकास? देखिए, अगर आज GBM की बात करते हैं तो GBM में 8 डॉक्टर ऐसे हैं जिनका पंजीयन जो है उसको निरस्त किया गया है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। उसके अलावा 2 चिकित्सक ऐसे हैं जिनका पंजीयन जो है 6 माह के लिए सस्पेंड किया गया है। ये तमाम जो डॉक्टर थे इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वो झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल का था, जहां पर गलत किडनी निकालने से मरीज की काफी गंभीर स्थिति में हालत हो गई थी और उसको अभी SMS अस्पताल में उठा के लाया गया था। और इसके अलावा जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं उनकी बात करें तो कुछ ऐसे थे जो फर्जी दस्तावेज से नौकरी पे लगे थे, उसके अलावा कुछ ऐसे जिनको जिन्होंने NMC में गलत तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जिन पर एक्शन लेने के बाद में उनका अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर सुमन अग्रवाल का पंजीयन भी 6 माह के लिए सस्पेंड किया गया है। ये दोनों डॉक्टर जो है डिकॉय ऑपरेशन में संलिप्तता इनकी पाई गई थी, जिसके चलते ये एक्शन लिया गया है। जी ठीक है विकास, आप बड़े